हेलो दोस्तों, वेलकम तो टू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस के में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा करंट अफेयर का सेशन चल रहा था, तो आज है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर करंट अफेयर देख लेते हैं। और जो मैंने आप कल करंट अफेयर डाली थी थोड़ा, तो उसको भी देखिए आप, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और करंट अफेयर देखो भाई, डेली बेस का एक ऐसा टॉपिक है, इसको ना छोड़ो तो ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी है, SSC हो, NTPC में और ग्रुप डी में, रेलवे के एग्ज़ाम में बता रहा हूँ कि 10 से 12 करंट अफेयर आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप आप करंट अफेयर को थोड़ा मतलब हल्के में ना लें, करंट अफेयर को टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, जहाँ आपको जैसा भी अच्छा लगे मटेरियल। और मैं चीज़ों को लिंक करके पढ़ाता हूँ, और स्टैटिक जीके भी आता है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी GS और GK के पार्ट में। ठीक है, तो आओ चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हो, आपके 27 अक्टूबर की करंट अफेयर पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया, हाल ही में किस देश ने नो मास्क और नो पॉलिसी सर्विस की घोषणा की है? अभी हाल ही में जो विदाउट मास्क किसी भी सर्विस, क्या कंपनी या कैसी भी प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे जाएगा किसी भी सर्विस के लिए, तो उसकी घोषणा की है, उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो है हमारा बांग्लादेश। अब बात आती है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है हाल ही में? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बुमला स्थान पर जोगिंदर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? जोगिंदर क्या है, हमारे एक स्पोर्ट्समैन है, ये हमारे बुमला स्थान पर इनके नाम से, जोगिंदर के नाम से एक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, वो हमारा क्या गया, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश से एक फेमस है जो नामदफा दर्रा है ना, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नामदफा दर्रा हमारा कौन सी स्टेट में है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। एग्जाम में वो काफी बार पूछा गया है, नाम दफा जो दर्रा है हमारे कौन से स्टेट में पाया जाता है, सॉरी वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में हिस्सेदारी की घोषणा की है कि, तो कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, वो है हमारा 7.8%। जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने अभी हमारे आदित्य बिड़ला एंड रिटेलर कंपनी के साथ 7.8% हिस्सेदारी को खरीदा है, वो हमारी कितने रुपये में, 15,000 करोड़ रुपए में जो खरीदने की हिस्सेदारी की है, वो 7.8% हमारी फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन के साथ जो है हमारी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। अब बात आती है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कंपनी है, फ्लिपकार्ट की 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो हमारे CEO है वंश कल्याण मूर्ति सुब्रमण्यम है, और जो हमारे इसके फाउंडर है मतलब जो है हमारे निर्माता, वो संस्थापक फ्लिपकार्ट के, वो हैं हमारे सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। ठीक है, जो ये इसके कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, CEO भी पूछ लिया जाता है, या मतलब संस्थापक भी पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में क्या है, कल्याण मूर्ति जी हैं इनके, और इसके फिल्म संस्थापक हैं हमारे सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्लिपकार्ट के जो हमारे संस्थापक हैं वो कौन है, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। ये दोस्तों सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल नाम से लग रहा होगा कि आपको ये भाई भाई हैं, बट ये भाई नहीं थे, ये आपस में फ्रेंड थे, बट दोनों को अपने नाम पे ही इन्होंने क्या है फ्लिपकार्ट की जब स्थापना की थी, तो इस तरीके से फॉर्म मतलब वो क्या था कि एक ही नाम लगना चाहिए, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन अभी शुरू हुआ है, तो वो कहाँ अभी उसका हाल ही में हुआ है, वो हुआ है हमारा दिल्ली में। ठीक है, बात आती है दिल्ली की, तो हमारा क्या है, एक जो थी महिला थी हमारी, लंबे समय तक रही थी, वो शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित जो थी हमारी दिल्ली की ही एक बहुत लंबे समय तक एक महिला थी जो CM बनी रही थी दिल्ली में ही। हमारा क्या है, इंडिया गेट जो है हमारा दिल्ली में है, और कुतुब मीनार जो है हमारा दिल्ली है, हिस्टोरिकल प्लेस है जो हमारे दिल्ली में ही स्थित है। सॉरी, भारतीय मूल के बेबल राम कलवान अभी किसी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो हमारे कौन सा देश है, वो है हमारा सेशल्स। सेशल्स में भारतीय मूल के जो बेबल राम कलवान है वो राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है, वो कंट्री है हमारी सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने COVID-19 की महामारी से निपटने के लिए हाल ही में 500 करोड़ का ऋण लेने की वो की है, अभी मांग की है, वो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने जो है वर्ल्ड बैंक से हमारे 500 करोड़ रुपए की ऋण लेने की मांग की है, हमारा है बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक से। बात आती है वर्ल्ड बैंक की, तो आपको पता है एक फेमस है वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के जो MD हैं अभी हमारे कौन है, वो है डेविड मलपास, एंड CEO जो है अंशुला कांत,
अंशुला कांत जो है हमारी, वो इसकी क्या है वर्ल्ड बैंक की सीईओ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था वर्ल्ड बैंक के एमडी कौन है या सीईओ कौन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वही मैंने बताया मेरा मतलब क्वेश्चन को बताऊंगा या करंट अफेयर बताऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो या किसी भी हो, चीज़ों को आप लिंक करके पढ़ोगे तो मतलब ज़्यादा याद रहेंगी। और बात आई यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की, बांग्लादेश ने मांग की है 500 करोड़ के लिए जो महामारी चल रही है हमारी कोविड-19 की, बट वर्ल्ड बैंक की आई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो इसलिए मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी दे दी, बता दी है। और जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की मतलब किस देश की सीमा पर जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया है, तो हमारा भारत ने म्यांमार की सीमा से जल पूर्ति योजना का उद्घाटन क्या है, तो वो हमारा देश है म्यांमार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आत्मनिर्भर निधि पहल की जो योजना चल रही थी उसमें पहले स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है, वो हमारा रहा है यूपी, ठीक है। आत्मनिर्भर निधि पहल की जो योजना थी ये, इसमें पहले स्थान पर हमारा यूपी जो है एक नंबर पर आया। बात आती है यूपी, यूपी में बताया मैंने, यूपी में हमारा लखनऊ, लखनऊ में क्या है जो लखनऊ की शहर के नदी किनारे हैं गोमती। अब यूपी में क्या है, यूपी में बेरोजगारों के लिए एक राहत ऐप की वो लॉन्च किया गया था, राहत ऐप, ठीक है। और दूसरा था कोविड-19 के दौरान चल रहा था वो आयुष कवच ऐप जो यूज किया गया था, वो भी हमारा क्या है यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही किया गया था। यूपी में क्या है, अब यूपी के सीएम कौन है हमारे, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है हमारे यूपी की, आनंदी बेन पटेल जी हैं। तो यूपी से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आपको मिली होगी, आई होप आपको वीडियो के साथ साथ स्टैटिक जीके और ये सब आपको जो जानकारी है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको वीडियो देखते होगे तो चीज़ें डेली 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 मैं इतने बार बता दूंगा कि 100% नहीं तो 80% चीज़ें आपको मेरी बातें याद रहेंगी, और वो कहीं ना कहीं आपको एक किसी भी एग्जाम में आपको एज प्रोवाइड करा रही होंगी। देने का मतलब यह है, ये सब बातें आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे तब आपको चीज़ें याद आ रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि यूपी है, यूपी में मैंने बताया कि एक आयुष ऐप लॉन्च वो हुआ है, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है, एक राहत प्रवासी ऐप लॉन्च किया गया है, और हमारा यूपी में एक विद्या बाल विद्या योजना चल रही थी वो हमारी क्या है वो भी यूपी में चल रही थी। और मिशन शक्ति अभी हाल ही में मैंने एक दो दिन पहले बताया था, मिशन शक्ति महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए एक ग्लास रूम स्थापित किए जाएंगे, वो हमारे क्या है यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही इस योजना का शुरुआत किया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी यूपी से लेकर, तो बता रहा हूँ ना जितनी चीज़ें आप लिंक करके याद करोगे तो आपको लंबे समय तक आई होप मतलब क्वेश्चन को गलत करने के चांस न रहेंगे, क्योंकि आप इतनी बार देख चुके होगे या इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे, क्वेश्चन आपकी सियोरिटी है, आंसर सही करोगे करोगे। क्योंकि भाई देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने प्रैक्टिस कर ली कर ली कर ली क्वेश्चन कर दोगे, बट जीएस और जीके है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इसको रिवाइज करना छोड़ दोगे या चीज़ें मतलब नहीं पढ़ोगे तो आप भूलने लगते हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप डेली बेस पर 10 से 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा दे लिया करो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के बाद आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, मगर यहाँ 1% भी चूक हो गई तो आंसर इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। अभी एक एक यहाँ पे लंदन में क्या है, फोटोग्राफर थे तो उनका नाम था सव्यत सुवैया, उन्होंने क्या है एक स्नेक से लड़ते हुए एक किसी पक्षी का मतलब सॉरी हाँ सांप एक लड़ा था किसी पक्षी से, तो उसका फोटो इस तरीके से खींचा है उन्होंने, उनको मतलब बहुत फ्रेश मतलब जबरदस्त तरीके से फोटो उनका कैप्चर किया है उस फोटोग्राफ मतलब उस फोटो के लिए वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी ने लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है, वो है संबत सुबैया ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक है जो हमारी आईसीआईसी बैंक है, किस देश में अपना परिचालन उसने बंद कर दिया, आईसीआई बैंक ने हमारा क्या है किसी देश के साथ हम ही हाल ही में परिचालन बंद कर दिया है, वो हमारा है श्रीलंका। बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका से और यहाँ क्वेश्चन मिल जाता है जो हमारा ये मैप होता है ये है श्रीलंका, श्रीलंका और जो इंडिया है हमारा यहाँ पे इसके बीच में एक स्टेट पाई जाती है, वो होती है हमारी पाक, पाक जर्मंडल, स्टेट को जर्मंडल कहते हैं। तो पाक की खाड़ी को जो डिवाइड करती है हमारे श्रीलंका और नीचे वाले डिवाइड को भारत से डिवाइड करती है, वो है हमारी पाक की खाड़ी।
एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सी खाड़ी है जो हमारे भारत को और श्रीलंका से डिवाइड करती है, उसको कहते हैं हम पाक की खाड़ी। ठीक है, श्रीलंका की बात आती है, श्रीलंका की कैपिटल आपको होगी कोलंबो। कोलंबो क्या है हमारी, कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल। इसकी दो कैपिटल हैं दोस्तों, कभी कंफ्यूज हो, श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, एक कोलंबो, कोलंबो हमारी कमर्शियल कैपिटल एंड दूसरी है श्री जयवर्धना, तो वो है हमारा कमर्शियल कैपिटल। ठीक है, वो सॉरी कोलंबो है हमारी कमर्शियल कैपिटल, वो है नॉर्मल जयवर्धन, श्री जयवर्धन के नाम पे। और आईसीआई बैंक है की बात है तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसी फुल फॉर्म होती है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपको जो मैं चीज़ें ये लिंक करके पढ़ा रहा हूँ किस तरीके से आपको पसंद आ रही है। इसी के साथ देखो, अगर आप, मैंने बताया था ना कि मैंने अब यूपी की बात आई, हाँ यूपी के मैंने 10-12 जो योजना चल रही है हमारी, वो सब जानकारी आपको मैंने बताई दी है। तो इस तरीके से जो पिछला पढ़ा है उनको थोड़ा सा भी क्लिक करोगे ना तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आज की करंट अफेयर आपको मैंने बताई दी है, अपकमिंग एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।